नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय को लेकर आयोग ने कल एक नोटिस जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि जो 1218 कैंडिडेट थे जिनका दोबारा मेंस का एग्जाम हुआ, पीटी में वो टेक्निकल फॉल्ट के कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया था, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया 23 अक्टूबर को ही। 727 कैंडिडेट पास हुए हैं और उनका टाइपिंग और फिजिकल 30 अक्टूबर के बाद कभी भी लिया जा सकता है, यानी कि डेट नहीं दिया गया है। कारण यह है इसका कि छात्र जो हैं लगातार दबाव बनाए हुए हैं और दबाव की ही प्रक्रिया है कि आज 27 अक्टूबर को ट्रेंड होने वाला है ट्विटर पर, और उससे एक दिन पहले आयोग के द्वारा डेट तो नहीं दिया जाता है, लेकिन डेट की संभावित जो समय है वो दे दिया जाता है। आपको बताएं कि इसके अलावा नवंबर प्रथम सप्ताह में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है आयोग का, और आयोग ने ही इसको लेकर वादा किया था। 19 सितंबर को नोटिस में ये कहा था कि अक्टूबर में हम सारी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे जो 1218 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाए उनसे संबंधित, और नवंबर प्रथम सप्ताह में ही हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू कर देंगे। इसी को लेकर दिलीप ने अपनी बातें कही हैं और उनका कहना है कि वादा जो किया गया है उसे अब निभाने का समय आ गया है, लेकिन उसके लिए कोई नोटिस नहीं आ रहा है। और छात्र भी आज ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं बीएसएससी वादा निभाओ, क्योंकि आपने जो वादा 19 सितंबर के नोटिस में किया था कि प्रथम सप्ताह नवंबर में हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे, 7 सालों से कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं और नोटिस कोई नहीं आया, इसी के लिए ट्रेंड कराया जा रहा है। इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें कही हैं, चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर आज 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ट्विटर पर हैशटैग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका हैशटैग है #BSSC वादा पूरा करो। इसमें सभी लेटर स्मॉल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आज के ट्विटर आंदोलन से पहले ही कल रात को ही बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें जो नए अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हुआ था उनका रिजल्ट दिया गया था। 727 अभ्यर्थी उसमें सफल घोषित किए गए थे, तो उन लोगों के लिए टाइपिंग, आशुलेखन, टंकन जांच परीक्षा से संबंधित नोटिस है। तो अभी भी उनकी परीक्षा का तिथि घोषित नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया गया है कि 30 अक्टूबर के बाद कभी भी उन लोगों के लिए टंकन और आशुलेखन जांच परीक्षा हो सकती है। लेकिन बीएसएससी अभी भी तिथि घोषित नहीं की है और काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं की गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएससी ने जो 19 सितंबर के नोटिस में ये कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग शुरू करेंगे, तो बीएसएससी अपने नोटिस का पालन क्यों नहीं कर रही है? आखिर अब कैसे वो नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाएगी? तो और हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो, क्योंकि बीएसएससी ने खुद नोटिस जारी करके कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, परीक्षार्थियों ने तो नहीं कहा था। तो बीएसएससी को अपने नोटिस पे कायम रहना होगा और अपने वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो बीएसएससी झूठा कहलाएगी और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष के माथे पे ये बहुत बड़ा कलंक होगा। तो हम आग्रह कर रहे हैं बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से कि आपने जो वादा किया था उस वादा को पूरा कीजिए। आपने जो नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे, तो नवंबर प्रथम सप्ताह में आप काउंसलिंग शुरू कीजिए, क्योंकि ये नोटिस आपने खुद जारी किया था। और परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आज ट्विटर पर धुआंधार ट्वीट कीजिए और सुबह 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक धुआंधार ट्वीट कीजिए। अगर इसके बाद भी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं होती है, रैंक लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, तो फिर हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, गर्दनी बाग और बीएसएससी ऑफिस दोनों जगह होगा, जो कि नवंबर में ही होगा। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम बार बार अपील कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में आप काउंसलिंग शुरू करवाइए, क्योंकि आपने ही नोटिस जारी किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के छात्र अब मरने मारने के लिए तैयार हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं, और इनके आक्रोश को झेलना अब मेरे भी बस की बात नहीं है और इनको रोक पाना अब मेरे भी बस में नहीं है, क्योंकि बिहार के छात्र छात्राएं अब काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि 7 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा समय होता है। इस दरमियान हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिनकी उम्र समाप्त हो गई और वो अब कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए और इस बहाली को जल्द पूरा कीजिए। नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग हर हाल में आप शुरू कीजिए, अन्यथा बिहार के छात्र छात्राएं जब सड़क पे उतर के उग्र आंदोलन करेंगे तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। और परीक्षार्थियों को समझा पाना, उनको रोक पाना अब मेरे बस की बात भी नहीं है, तो इसलिए परीक्षार्थियों का जो मन होगा वो करेंगे, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। और हम अनशन करेंगे, नवंबर में धरना प्रदर्शन भी होगा।
तो परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आज 27 अक्टूबर को 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक धुआंधार ट्वीट कीजिए और एकजुटता दिखाइए। धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि आपके द्वारा ही वादा किया गया था, आपने ही नोटिस निकाला था, आपके सब नोटिस को छात्र पिछले 7 सालों से मान रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन अब समय है कि आयोग जो भी वादा किया गया है आयोग के द्वारा उसे समय रहते पूरा करे, और इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट जल्द से जल्द घोषित किया जाए, क्योंकि समय कम है। अब प्रथम सप्ताह में अगर होगा तो कैंडिडेट जो हैं वो दूसरे राज्यों में भी हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें बिहार आना होगा, फिर से उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमिलियर हुआ, फिर से आवास हुआ, जाति हुआ, ये सब बनवाना होगा, क्योंकि आप उसमें भी अपडेट मांगते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें प्रखंड में अपने जाके ये सब कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए ज़रूरत है कि आज 27 अक्टूबर हो चुका है और आपको जल्द से जल्द डेट देना होगा कि हम इतने तारीख से शुरू कर रहे हैं, और समय है। BSSC जिसको लेकर छात्रों में अब कोई विश्वास नहीं रहा है, वो जो वादा किए हैं उस वादे के अनुरूप सभी समय पर पारदर्शी तरीके से अपना काम करवा के छात्रों में एक विश्वास बहाली करें, जो कि विश्वास भंग मोह भंग हुआ है उसकी वो मेकअप कर सके, उसकी बराबरी कर सके। तो अब देखने वाली बात है कि ट्विटर पर आज ट्रेंड होने वाला है 11 बजे से BSSC वादा निभाओ और डेट जो है वो कब जारी किया जाता है, आयोग अपना वादा जो है पूरा करता है या इसमें भी लेट लतीफ़ी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।